हमारे गुर्जर समाज के अंदर काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही रूढ़िवादिता परंपरा जिसे हमारे समाज के अंदर बावनी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर 52 गांवों को बिना निमंत्रण के न्योता जाता है और 52 गांवों के सर्व समाज के व्यक्ति इसके अंदर निमंत्रण आकर के स्नेह भोज करते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे बच्चियों का बाल विवाह भी किया जाता है। तो इस संबंध में हमारे जो पुष्कर के अंदर पूर्व में भी महापंचायत हुई थी और जितने भी समाज के सामाजिक संगठन हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, समाज के पंच पटेल हैं और भी जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोकबाग हैं, उन्होंने मिलकर के निर्णय लिया था कि ये जो समाज के अंदर जो सामाजिक कुरीति है भावनी, इस पर पूर्णतया पाबंदी लगाई गई थी। परंतु कुछ लोग इस पाबंदी को नहीं मान रहे हैं। हमारे समाज की जो संस्था है उसके द्वारा भी उन्हें नोटिस दिया गया, उसके बावजूद भी वो ऐसी बावनी जैसी कुरीति को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। इस संबंध में आज हम सब यहाँ पर गुर्जर समाज के पदाधिकारी, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, पंच पटेल जनप्रतिनिधि सभी एकत्रित हुए हैं और कलेक्टर साहब से हम ये आग्रह और अनुरोध करना चाहते हैं कि जल्द ही ऐसी गुर्जर समाज में जो ये सामाजिक कुप्रथा है बावनी और गंगोज, इनको जल्दता पूर्णतया पाबंदी लगा करके और समाज में एक अच्छा संदेश, कानूनी रूप से एक अच्छा संदेश देने का। इसमें क्या कहते थे, शादी बाल बच्चों के शादी? इस बावनी के अंदर जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है उसके महीने या दो महीने बाद बावनी का रूप दिया जाता है, जिसके अंदर सामूहिक मृत्यु भोज किया जाता है। इसके अंदर कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया खर्च होता है, जिसके अंदर बच्चों के छोटे छोटे बच्चों का विवाह भी इसके अंदर किया जाता है और जिसमें बछड़े और बछड़ी का विवाह भी इसमें किया जाता है। तो ये प्राचीन समय में ये परंपराएं थी। प्राचीन समय में समाज की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, तो उस समय को जो चली आ रही है प्राचीन समय से बड़े बुजुर्ग जो उनकी मान्यता थी, परंतु आज समाज में काफ़ी जागृति आई है और चेंज होना चाहिए। तो मैं कलेक्टर साहब से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कानूनी रूप से इस पर पाबंदी लगाएं। भगवान सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष गुर्जर।